गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग, आपका एक और ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे को जाना है थोड़ा कासगंज तक सिकंदर हाउस होते हुए, और मैं वहीं घूमने जा रहा हूँ। थोड़ा काम भी है और रिश्तेदारों से भी मिलना है और घूमना भी है। तो अभी रजनी नहाने वाने गई है, तो उसको तैयार होने में ऑलमोस्ट 2 घंटे तो लग जाएंगे। हो सकता है पूरा दिन भी लग जाए, तो मैं कल निकल पाऊँ। खैर ये तो मजाक से हट के 1 घंटा तो पूरा लग जाता लड़कियों को तैयार होने में। तो वो तैयार हो जाएगी, चिप को भी तैयार करेगी। मैं तैयार से घूम रहा हूँ, बस कपड़े चेंज करने। लास्ट टाइम पर नहा धो लिया मैं, और अभी मैं फिलहाल अपने ऊपर रूम में आ गया था और कंप्यूटर पर थोड़ा काम करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ यार, आज का मौसम कातिल मौसम, भयंकर मौसम। देखो गाइस, ये 10 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और बिल्कुल धूप नहीं है और इतनी अच्छी हवा चल रही है। देखो पेड़, देखो ये पाम मक्का पेड़ है, बोतल पाम। और भाई साहब, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। आई डोंट नो मैं कैसे दिखाऊं। हाँ, एक तरीका है दिखाने का। ओह माय गॉड, देखो गाइस बारिश हो रही है। देखो मैं कहा था चेक करा दूंगा मौसम, तो देखो क्या ही कातिलाना है। दीदी बाय, मिठाई रख ली, घर का ध्यान रखियो। तो गाइस जल्दी तैयार हो गए, चलो जल्दी आओ। तो गाइस हमने अपनी बाइक साफ कर ली और यही बाइक लेके जा रहे हैं आज हम। और चीकू देखो तैयार घूम रहा है, इसने पेंट नहीं पहना, कच्चा ही पहना, नीचे सैंडल पहना देंगे अभी इसको। जस्ट गाइस अभी हम रुके थे, और देखो दोबारा बारिश पड़ने लग गई है, और इधर हवाई पट्टी है साथ साथ में। अगर आपने देखी होगी अलीगढ़ में तो ये हवाई पट्टी है। और इधर देखो बाइक, मस्त बाइक, क्या ही गांव वाली फीलिंग आ रही है। इतने देर से गाड़ी में घूम घूम के ऐसा लगता था नवाब हो गए। आज समझ में आ गया कि बाइक के भी अपने अलग ही मजे हैं, रुक रुक के जाना पड़ रहा है बारिश में। और मौसम देखो यार, क्या ही प्यारा मौसम। और ये हवाई पट्टी की बाउंड्री है, इसमें अटैक मूवी की शूटिंग हुई थी, ये वही जगह है। तो गाइस हमने 200 रुपये का तेल पड़ा लिया, इसमें 2.6 लीटर तेल आया है। सुसुगल ली जीकू, इधर देखना। आ हा जीकू देख, इधर देख, नींद में अभी सुसु कर ही रहा है। नहीं नींद में नहीं है, ये जगह हुआ है। ए जीकू इधर देख, आज तो पूरे गांव की फीलिंग आ गई है। ये हंस गया, हवा आ गई है। जरा ये पेंट तो देखो गाइस, हालांकि मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाता, लेकिन मजे आ गए आज। मुझे जल्दी चलना चाहिए, देखो मजा आ गया है। बीपी में मजा आया गाइस, हवा चल रही है, बहुत ज्यादा हवा चल रही है यार। देखो जरा, मतलब इतनी जद्दोजहद मुझे बाइक चलाने में जिंदगी में नहीं हुई है जितनी आज हुई है। जरा पेंट तो देखो यार, मतलब लिटरली चलो चलते हैं यार यहाँ से। तो गाइस अभी मैंने बैग यहाँ बांध दिया है, और ये टायर में नहीं आना चाहिए, काफी गैप है, नहीं जाएगा। और मस्त अब सीधे सिकंदराव में चले, कुछ खाते पीते हैं, बहुत देर हो गई है घर से निकले हुए। चीकू चले चले चले, बोल भी नहीं पा। चीकू कैसा, अच्छा है, एक ले लूं मैं? अरे ये नहीं ले रहा था भाई, गाय इतना बदतमीज बालक है, ये नहीं खाने देता कुछ भी मेरे को। ये भी चाहिए इसको, लो चार चार खाए लो मैं चार।
तो नहीं बता मजे आ रहे हैं? मजे नहीं आ रहे हैं गाइस, इतना टाइम हो गया चलते चलते लेकिन अभी तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। और इतनी कह रही है मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, और अभी सीधे 10 मिनट की रास्ता हो रहा है, चलो फटाफट पहुँचते हैं। तो गाइस ये हम मोहनपुरा आ गए और यहीं से हमको लेफ्ट कटना है और 5 मिनट की रास्ता बचेगी उसके बाद। और यहाँ से पहले हम थोड़े फल वल ले लेंगे क्योंकि सही है लेना और ज़रूरी भी है, रजनी कह रही है। तो यहाँ से फटाफट फल देखते हैं, देखो यहाँ तरबूज मिल रहा है कितने बढ़िया वाले, वो हमें ले लेनी है। तो गाइस हमको फल मिल गए फाइनली, और देखो रजनी जूस बनवा रही है। फल तो नहीं लिए यहाँ से, फल अच्छे नहीं थे तो रजनी ने सोचा जूस ही पैक करा ले रहे हैं, तो जूस पैक करा रही है। इसके बाद हम लोग गाइस घर पहुँच गए थे, और घर पहुँचने के बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह किया। फिर मैं अपने साढ़ू साहब के साथ जाकर अपने साले को लेने के लिए गया जो कि ट्रेन से आया था, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने ट्रेन खड़ी हुई है। हम फटाफट जल्दी जल्दी चल के वहाँ तक पहुँचे और काफ़ी अच्छा लग रहा था चलने में। फिर हमने यहाँ पर अपने साले को ढूंढा और जो कि काफ़ी शर्मिला है, उसका नाम रुद्र है, और उसको हमने तैयार किया फिर शाम को बाहर खाना खाने चलने के लिए मनाने के लिए। वो जाना नहीं चाह रहा था लेकिन तब भी हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे थे। उसने फटाफट जूते पहने और फिर हम भी तैयार हो गए। फिर हमने ब्लेरो उठाई अपनी और ब्लेरो लेकर निकल पड़े। रास्ते में हमने बहुत सारी मौज मस्ती करी जो कि आपको आगे देखने को मिलेगी। हम लोग पहले यहाँ पर कासगंज से पहले नदरई का पुल पड़ता है वहाँ पर गए। ये काफ़ी फेमस पुल है दोस्तों। यहाँ पर देखो दो नहरें आई हुई हैं जो गंगा जी से कटती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ की ये है कि यहाँ पर ऊपर एक नहर है, नीचे उस पर घूम सकते हो आप उसके, और उसके भी नीचे काली नदी जाती है। तो मतलब सोच रहे हो आप दो, एक नदी और एक नहर के बीच में घूम सकते हो, ये वहाँ की खासियत थी। ये नदरई का पुल है जो कि बहुत फेमस है। इस पुल के नीचे आप चल सकते हो, इस वाले पुल के नीचे आप चल सकते हो, और इसके नीचे नदी जा रही है काली नदी, वो भी अभी दिखाऊंगा। और उधर देखो बाकी लोग भी हैं जो घूम रहे हैं, रजनी चेकूस, मेरा साला रूप और हमारे साढ़ू साहब सब घूम रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि दोस्तों बताया था मैंने, ये देखो इधर वो देखो काली नदी जा रही है नीचे नीचे, और यहाँ लोग देखो ऊपर घूम भी रहे हैं, फ़ोटो शूट भी कर रहे हैं। सोचा यहाँ से निकलने से पहले यहाँ की कुछ मेमोरीज साथ लेके चलते हैं, तो हम सब लोगों ने बैठकर वहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक किए सबके साथ। सब लोगों ने एक दूसरे के साथ फ़ोटोज़ क्लिक किए थे, अलग अलग पोजिशन में, अलग अलग व्यू से, किसी ने खड़े होकर, किसी ने बैठ कर। तो गाइस ये सब देखने के बाद हम यहाँ से सीधे चल दिए, और हमको जाना कहाँ था, पहले हमें कासगंज में आना था। तो हम लोग अपने सीट पर बैठे और यहाँ से तुरंत ही निकल दिए। साइड में दोनों तरफ नहर थी तो ये देखकर काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन जब हम लौटते टाइम गए जिस रोड से, उधर एक ही साइड से दोनों नहर हो गई, मतलब एक साइड खेत वगैरह थे। फिर हम पहुँचे जहाँ पर हमें खाना खाना था, एल रोशन लाल जी, ये कासगंज में स्वीट रेस्टोरेंट और बेकरी का सामान रखते हैं, और ये काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट था, 3 मंजिल का था। हम यहाँ पर गए, बैठे, चीकू को लॉलीपॉप खिलाई शुरुआत में, उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर दिया। तो गाइस ऑर्डर जो दिया गया था वो था सबसे पहले तो डोसे का, तो हम लोगों ने डोसे का ऑर्डर दे दिया, और मेन्यू कार्ड भी पड़ा। मेन्यू कार्ड में यहाँ पर एक चीज़ अच्छी थी कि आप 400 रुपये से ऊपर का सामान अगर डिलीवर कराते हैं अपने घर पर तो वहाँ डिलीवरी चार्ज बिल्कुल नहीं था, जो कि रेस्टोरेंट की तरफ से था। और यहाँ पर जैसा मैंने बताया था रुद्र बहुत शर्माता है तो वो आ नहीं रहा था कैमरे में, इतनी देर में हमारा खाना तैयार हो गया था। तो सबसे पहले तो हमारे सामने डोसा ही आया था, और चीकू बहुत मज़े ले रहा था डोसे के अंदर, देखना चाह रहा था कि इसके अंदर भरा क्या है। तो मैंने खुद ही देखा साइड से कि इसके अंदर भरा क्या है, और जाहिर सी बात है जब मसाला डोसा लिया था तो आलू ही भरे होंगे इसके अंदर। और जो भाई बहुत ही बड़ा डोसा था, और बहुत ही बढ़िया डोसा भी था। इसके बाद हम लोगों ने पनीर का एक आइटम ऑर्डर किया था जो मेरे साढ़ू साहब ने किया था, मुझे इसका नाम नहीं मालूम था लेकिन काफ़ी खाने में डिलीशियस था। इसके बाद हम लोगों ने किंग साइज की एक थाली ऑर्डर करी थी जो बाद में खाने के लिए थी, और इसमें रायता था, दाल मखनी थी, मिक्स वेज थी, कढ़ाई पनीर था, चावल थे, दो लच्छा पराठा थे, एक पापड़ था, और एक रसगुल्ला था, और थोड़ा बहुत सलाद था। और इसे खा के काफ़ी मज़ा आया, खाना खा लिया हम लोगों ने सब लोगों ने, और फिर हम वहाँ से निकल दिए। निकलते निकलते गाइस बहुत ही ज़्यादा रात हो गई थी,
और रात में ड्राइविंग उन्हीं ने की थी, काफ़ी मज़ा आ रहा था। चीकू को तो बलेरो में बैठना ही नहीं था, इतना ज़्यादा रो रहा था वो। फिर हम सीधे घर पहुंच गए और फिर अगले दिन सुबह वापस अलीगढ़ के लिए तैयार होने लग गए। सुबह सुबह मेरे को मिली चाय और चाय के साथ नमकीन, और ये नमकीन काफ़ी बढ़िया नमकीन थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने चाय के साथ नमकीन पूरी ख़त्म कर दी। तो यार अभी घर लौट रहे हैं वापस, और अभी हम आ चुके हैं, मतलब बहुत पास आ चुके हैं घर के। हवाई पट्टी है देखो पीछे, वही वाली जो जाते टाइम दिखाई थी मैंने, ये घर के पास ही ऑलमोस्ट मेरी दीदी के। और इधर देखो रजनी और चीकू बैठ के रेस्ट ले रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए बाइक पे। मैंने सोचा बाइक को भी थोड़ा रेस्ट दे देते हैं, और उधर थैला बांध रखा है। और एक और चीज़ है, ये देखो कितने सारे छोले भटूरे पैक कराए हमने घर के लिए सिकंदर आओ के, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ चूँकि ठंडक है तो इसलिए यहीं रुक गए, उधर तो बहुत ज़्यादा धूप है। देखो चलें चलें, अरे वाह ये क्या, कौन सा पक्षी है जानते हो जी तुम? वही सामने लाल आंखें हैं उसकी, देखो ये उड़ गया। गुगु बोलते हैं हमारे यहाँ, गुगुआ। और रजनी चलोगी नहीं, धरना प्रदर्शन करोगी का? हालत बहुत खराब है। तो गाइस घर पे वापस आ गए हम, और ये व्लॉग अभी यहीं ख़त्म हो रहा है। अब तो मैं सिर्फ रेस्ट करूँगा, सोऊँगा थोड़ा बहुत। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते होंगे, लास्ट व्लॉग पे क्या ही सपोर्ट दिया है। ऐसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कुछ नहीं ज़्यादा आपका, एक सेकंड लगती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।